हेलो एवरीवन वेलकम टू सुपर कोचिंग यूपीएससी फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक होगा आपका लोकल जेट स्ट्रीम्स जी हाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे आप आज, कि basic, कि अब के में, होता क्या है जेट स्ट्रीम्स आर ऑल्सो अवेलेबल प्लेनेट्री एंड इवन लोकली मीन्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ऑल थ्रू द्लैनेट जेट स्ट्रीम्स आर अवेलेबल बट देर आर सर्टेन लोकल कंडीशन उनकी वजह से आपके जेट स्ट्रीम्स जो है सिर्फ लोकल एरिया है बिफोर गोइंग्राई टू अंडरस्टेंड जेट स्ट्रीम्स की एक्चुअली जेट स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है देखिए स्ट्रीम्स का मतलब तो होता है अगर किसी स्ट्रीम जैसे हम वाटर स्ट्रीम की बात करते हैं तो वाटर स्ट्रीम का मतलब ही होता है 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 एक वाटर वाटर का डेफिनेट फ्लो जो नजर आ रहा है, वो आपकी स्ट्रीम है। अगर आपके पास में जेट स्ट्रीम्स मतलब एक ऐसा फ्लो फ्लोइड का फ्लो चाहे वो वाटर हो चाहे वो गैस हो या एयर हो बट दैट इज मूविंग स्पीड ऑफ जेट अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब कोई फ्लूड इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है जितनी एक जेट की स्पीड होती है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इट इज इम्प्रैक्टिकल ये कैसे पॉसिबल होगा देखिए ये पॉसिबल होगा आपके अपर एटमोस्फेयर के अंदर अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर ठीक है वाइन अपर ट्रोपोस्फेयर क्योंकि अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो आपके एयर का फ्लो होता है ठीक है

जहां पे भी आपकी एयर सिंक करती है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है एंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका विंड मूवमेंट होता है तो ये एक आपकी कंप्लीट सेल बन जाती है जिसको हम हेडली सेल बोलते हैं सिमिलरली इस एरिया के ऊपर यहां से जब विंड राइज होती है इधर की तरफ सिंक करती है तो ये आपकी एक सेल और बनती है जिसको फेरल सेल बोलते हैं

अब व्हाट विल हैपन विद दैट एयर क्योंकि अब वेस्ट से ईस्ट अर्थ का मूवमेंट है तो ये एयर जो है ये भी आपके वेस्ट से ईस्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है और क्योंकि ये अपर ट्रोपोस्फीयर की बात है दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज कि ये एयर काफी फास्ट मूव करती है एंड वी विल कॉल इट जेट स्ट्रीम और इसीलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही होती है अब सिमिलर सिनेरियो इज देयर फेरल सेल और जो पोलर सेल है उनमें भी टेंपरेचर का दिन रात का अंतर है

इनके किसी के भी मोशन में वो किसी भी एयर मास के अंदर नहीं है सिमिलरली जैसे पोलर सेल और आपकी सब तो जो फेरल सेल है या फेरल सेल या आपके हेडली सेल है अब उसी सिनेरियो के अंदर बीच में अगर कुछ स्पेस बचेगा तो डेफिनेटली वो साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ में इंडिया की लैंड की तरफ मूव करता है क्योंकि वो सोमालिया से आ रहा है इसलिए उसको हम सोमालियन जेट स्ट्रीम्स कहते हैं ये लोकल जेट स्ट्रीम है क्योंकि ये लोकल कंडीशन से डेवलप हुआ है बट द गुड थिंग इज ये इंडिया की मानसून को पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता है

तिब्बतन जो है है वो काफी ओवर होता टू अदर रीजन तिब्बतन प्लेटू का टेम्परेचर थ्री टू फोर डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है तिब्बतन प्लेटू हाई टेम्परेचर पे है इधर वाला एरिया जो है आपका बेओ बेंगोल वाला एरिया वो लो टेम्परेचर पे होता है अगेन द मास विल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड नाउ देयर इज अ मोशन ऑफ दिस जेट स्ट्रीम फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट इसलिए ये एक अपोजिट मोशन नजर आता है राइट right? तो ये भी एक लोकल जेट स्ट्रीम है बट लोकल कंडीशन की वजह से ही डेवलप हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जेट स्ट्रीम होता है जिसका पोलर नाइट जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको पोलर इस्टी जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं ठीक है पहले जेट स्ट्रीम्स वेस्ट ईस्ट जा रहे थे लेकिन पोलर नाइट जेट स्ट्रीम स्ट्री होता है अब आप सोचेंगे सर क्या ये रात को बनते हैं जी हाँ बनते तो रात को ही हैं लेकिन आपको जान के आपका सन जो है, बिल्कुल दी चला जाता है इसलिए लेकिन जो आपके लोअर एरियाज है वहां पर तो सनलाइट आती है थोड़ी सी सनलाइट से थोड़ी वार्मिंग भी होती है इसलिए वो दो स्ट्रीम्स बन जाते हैं और ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर मोशन नजर आता है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं ठीक है वो इसलिए डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं इसलिए पोलर नाइट जेट स्रीम है लेकिन ये सिक्स मंथ तक सर्वाइव करते हैं अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पोलर एरियाज में जेट स्ट्रीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है कैसे क्योंकि आपने ये जो प्रेशर बेल्ट देखी है ना अभी ये वाला तो इसमें आपको पता लगा कि सर ये कम्पेरेटिवली वो है और ये कम्पेरेटिवली कूल एयर मास है जब ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ये वोम वन ऑब्वियसली अपलिफ्ट होगा दो एयर मास जब कोल्ड और वो एक दूसरे के पास आते हैं वोम हमेशा अपलिफ्ट होता है

कैनेडा और यूएस के अंदर ये काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग एटमोस्फेयर को क्रिएट करता है दैट्स व्हाई पोलर वर्टेक्स काफी होते हैं लेकिन इनका जो गेट है वो है आपके पोलर जेट स्ट्रीम्स इसलिए ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इस सेशन की पीडीएफ को आप कपल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय